क्या संभल में हिंसा मुसलमान बनाम मुसलमान की लड़ाई का नतीजा है? क्या संभल में हिंसा मुस्लिम नेताओं ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए करवाई? संभल में जो मस्जिद सर्वे के नाम पर प्रयोग हुआ, क्या उसके पीछे संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, संभल के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के बीच का विवाद है? संभल हिंसा में अब तक वजह मस्जिद सर्वे और गुस्साई मुस्लिम भीड़ को बताया जा रहा है, लेकिन असली किरदार तो कोई और ही है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने दंगे के वक्त एक बात कही थी, नेताओं के चक्कर में भविष्य खराब मत करो। कि नेता कौन है, असली विवाद क्या है, फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। जियाउर रहमान बर्क एफआईआर में आरोपी, सुहेल इकबाल एफआईआर में आरोपी, जफर अली मस्जिद कमेटी का सदर हिंसा का सबसे बड़ा गवाह। संभल हिंसा के तीन किरदार हैं। हिंसा क्यों हुई, हिंसा किसका पावर प्रोजेक्ट था, कौन मस्जिद के नाम पर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहता था, कौन मस्जिद के नाम पर नया नेता बनना चाहता था, कौन मस्जिद में अपनी जमीन बचाना चाहता था, इन तीनों नामों में संभल की मस्जिद का दंगल छिपा है। संभल में पत्थर चले, गोली चली, जान गई, पुलिस पर हमला हुआ, पूरी हिंसा का एपिसेंटर मस्जिद सर्वे को बना दिया गया। संभल से लेकर दिल्ली तक सिर्फ सर्वे का नाम ही लिया जा रहा है। संभल के दंगल को समझना है तो सबसे पहले संभल के तीनों बड़े किरदारों को समझना होगा। चौबीस नवंबर को क्या हुआ, इसको जानने के लिए 22 नवंबर की एक एक तस्वीर को देखना होगा। यह तस्वीर 22 नवंबर की है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है, संभल की शाही मस्जिद की सीढ़ियों पर सांसद जियाउर रहमान बर्क खड़े हैं, बगल में मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली खड़े हैं। इसके बाद क्या हुआ, सुनने के साथ साथ देखिएगा भी। हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है। अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी, अरे नहीं सदर साहब मैं बात रख रहा हूँ, गलत क्या है, अरे हक हक है, हक कहेंगे हम, पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी है, अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं है। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर, हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं है। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। जिस वक्त जियाउर रहमान भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उस वक्त मस्जिद के सदर जफर अली ने टोका। जफर अली जानते थे कि इन तेवरों का नतीजा क्या हो सकता है। हुआ भी वही जिसका डर जफर अली को था। मस्जिद में सर्वे शांतिपूर्वक हो, इसकी जिम्मेदारी जफर अली की भी थी। मस्जिद सर्वे में जियाउर रहमान का होना बिल्कुल जरूरी नहीं था, लेकिन सपा सांसद बर्क साहब अभी भी कह रहे हैं कि बिना मेरे सर्वे कराया इसलिए संभल में हिंसा हुई। इसमें पुलिस प्रशासन की नाकामी भी है और साजिश भी है। इन्होंने अगर पहले दिन जब सर्वे किया था, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस दिन सर्वे पहले दिन किया, मैंने इनसे डीएमएसपी से पूछा क्या आपके पास कोई कोर्ट ने आदेश कराया कि अर्जेंट इमरजेंसी वो होना है सर्वे, इन्होंने मना करा कि नहीं, तो बोला फिर इतनी जल्दी पहले सर्वे में क्या जरूरत थी, आप एक तुरंत आ गए। पहले दिन हमने 19 तारीख को सर्वे सुकून से करवा दिया और कोई भी माशा बराबर भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि कोई प्रकार के किसी को कोई नुकसान पहुंचता। पूरी कमेटी सुकून से सर्वे करके गई, आप मालूम करिए 19 तारीख में आपने कोई घटना सुनी, हम लोग खुद वहां मौजूद थे। और जुमे के दिन इन्होंने
पुलिस बल लगाया था, नमाजियों को रोका, लेकिन उस दिन भी मैं मौजूद था, कोई घटना नहीं हुई। मैं एक चीज और, मैं इस बात को गारंटी से कहता हूं, अगर मैं कल वहां मौजूद होता तो इस घटना को अंजाम नहीं होने देता, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इस घटना को अंजाम दिया है और हमारे लोगों का कत्ल किया है। मस्जिद कमेटी का सदर कौन है? जवाब है जफर अली। विधायक कौन है? जवाब है नवाब इकबाल। सांसद कौन है? जवाब है जियाउर रहमान। सबके टारगेट में मुसलमान, क्योंकि मस्जिद में कुछ भी होगा इसका सीधा असर मुसलमानों पर पड़ेगा, इसलिए हर कोई मैदान में आ गया था। संभल में शाही मस्जिद का दूसरा सर्वे रोकने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन मस्जिद में सर्वे शुरू हो गया था। भीड़ और पुलिस आमने सामने भी थी, लेकिन शुरुआत में बात पत्थरबाजी, गोली और आगजनी तक नहीं पहुंची थी। लेकिन उसी दौरान मस्जिद के नाम पर एक अफवाह उड़ाई गई, जिसके बाद पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। मस्जिद की नाली में पानी आने लगा और अफवाह उड़ाई गई मस्जिद में सर्वे टीम खुदाई कर रही है। उस वक्त वहां पर मस्जिद के सदर जफर अहमद मौजूद थे। जफर अली ने क्या बताया, आप खुद सुन लीजिए। वीडियो जारी की है जिसमें दंगाई जो है वो गाड़ियां फोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं मस्जिद के ऊपर, उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जी, बताइए बताइए, जो वीडियो आई है सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल वीडियो जिसमें मार रहे हैं, उसका क्या कहना? ये एक्शन का रिएक्शन था। पुलिस ने पहले निहत्ते पब्लिक पर, निर्दोष पब्लिक पर लाठी डंडे बरसाए हैं, इस वजह से वो पुलिस पर या गाड़ियों पर पथराव हुआ है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि जहां पर संभल की शाही मस्जिद है, वहीं भगवान महादेव और भगवान विष्णु का सदियों पुराना श्री हरिहर मंदिर है, जो भगवान कल्कि को समर्पित है। याचिका में कहा गया है कि ये स्मारक एक संरक्षित स्मारक है, जिसे प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत 22 दिसंबर 1920 को अधिसूचित किया गया था। यह राष्ट्रीय महत्व की इमारत भी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ये ASI संरक्षित स्मारक है। सवाल ये है कि ये मस्जिद कैसे हो गई? इतिहास में इसका पूर्ण प्रमाण मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय ये बनी हुई थी, राजा पृथ्वीराज चौहान के समय, और यहाँ पे श्री विष्णु हरि मंदिर था, हरिहर मंदिर जिसे कहा जाता है। और ये मान्यता है कि जो कल्कि अवतार है, जो दशम अवतार है, वो यहीं पे होना है। और इसी का, इस मंदिर को तोड़ा गया, बाबर ने तोड़ा था 1529 में। बाबर नामा में इसका प्रमाण मिलता है कि किस ढंग से इस मंदिर को बर्बरतापूर्ण तोड़ा गया उसके आदेश अनुसार। ये बात बाबर नामा में जिक्र है, जो हमने अपने पेक्शन में लिखी है। आयने अकबरी, जो अकबर के कोर्ट मास्टर है अब्बुल फजल, उन्होंने 1589 से 1600 के बीच में लिखी है, जिसमें माना गया कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करती थी, संभल में कल्कि अवतार होना और उस मंदिर को तोड़ा गया। जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया 1873 के बीच में, और उनके जो 14 पॉइंट्स है, कैसे कैसे उन्होंने पाया कि एक मस्जिद में कन्वर्ट की गई है, वो सारी बातें हमने अपने सर्वे में लिखी है, अपने पेटिशन में लिखी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ASI संरक्षित। आज ASI के कौन से जो अधिकारी वहां पर रहते थे, कैसे वहां से हटा दिए गए, उन पे आप पूछिए जरा, इन लोगों से जो आपसे आज यहाँ पे सारी बातें कर रहे हैं, कि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का आपने कब्जा कैसे कर लिया, कहां, क्यों ऐसा हुआ कि ASI के सारे अधिकारियों को जो वहां पे मौजूद थे उनको पलायन करना पड़ा? ASI कब्जे में नहीं है क्या? आप सोच सकते हैं कि ताजमहल ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ASI कब्जे में ना हो? उसी तरह से ये ASI नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है 1920 की, सीरियल नंबर 250 पे फॉल करता है, और ASI का कब्जा हट गया, धीरे धीरे पूरी जगह कब्जा हो गया, सारे चिन्ह जो है, मैंने इसको बोला भी और रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि ASI इस जगह का कब्जा ले एक्ट के अनुसार, सेक्शन 16 और सेक्शन 18 के अनुसार। जबकि शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट कहते हैं, 1529 में जामा मस्जिद साफ जमीन पर बनाई गई, बाबर ने मस्जिद बनाने का आदेश अपने सलाहकार को दिया था, यहाँ पर इससे पहले किसी तरह का कोई भी मंदिर नहीं था। हम मुकदमे का जवाब मुकदमे से देंगे। मस्जिद के सदर जफर अली साहब का एक भ्रामक बयान आया, उसके कारण हमें दोबारा PC की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पूरा डिटेलिंग उनके बयान की हो रही है, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु जिसमें उन्होंने सबको कंफ्यूज किया
और अभी भी उन्होंने हमें कहा कि जब लोगों ने मुझे कहा कि आप प्रशासन और पुलिस से मिले हुए हैं इसलिए मुझे ये बयान देना पड़ा। जफर जी ने बोला कि हमें सर्वे की सूचना नहीं दी। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। पहली सूचना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट का ये ऑर्डर है। जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया, इस कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2:30 हाँ, जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो 2:38 पे आया और इसके लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग हमारे पास आए और फिर 5 बजे से पहले हम कोतवाली आए और 5 से 5:30 के बीच हम जामा मस्जिद पहुंचे। 23 तारीख को, जैसे जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी, 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने SDM और CO को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो DM के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था, जिसमें उन्होंने कहा पहला आदेश 19 को किया, फिर 19 को रात को किया कि भविष्य में दोबारा करेंगे, और तीसरा 23 तारीख को किया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24 को सुबह 7 से 11 के बीच सर्वे किया जाएगा। और यही कॉपी अगले दिन सुबह जो उन्होंने कहा कि मेरे से छीन ली गई, वो कॉपी ये है, उनसे छीनी नहीं गई। ये देखिए, उन्होंने स्वयं इसके ऊपर 24 को हस्ताक्षर किए हैं।